अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल यारवी बाई मरियम में। दुआ है अल्लाह पाक से आप सबको अल्लाह ताला अपनी रहमत और फजल के साए में रखे। तो आज फिर आपके लोगों के लिए एक रिव्यू लेके आई हूँ एक क्रीम के बारे में, जो कि मोस्टली आजकल बहुत ट्रेंड है कि लोग यूज़ कर रहे हैं। विटामिन सी की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, जिनमें एक फेमस नाम डॉक्टर रसील का है। इनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी विटामिन सी क्रीम पे भी आज आप लोगों को रिव्यू दूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डॉक्टर रसील की, ये विटामिन सी क्रीम है। देखें, बहुत से लोग जो है यूज़ कर रहे होंगे, उन्होंने पता होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है, और बहुत से लोग हैं जो कि इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि पता नहीं ये इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, विटामिन सी क्रीम्स और सीरम्स वगैरह, और ज़्यादा विटामिन सी जो है वो यूज़ होता है स्किन के डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट, और उसके अलावा जो हाइपर पिगमेंटेशन हुई होती है स्किन पे, उसको कंट्रोल करता है, उसको सही करता है। इसके अलावा ये क्रीम यूज़ की जाती हैं एंटी एजिंग के लिए, उसके और साथ ही इसमें स्किन ब्राइटनिंग के लिए होता है। कहते हैं कि विटामिन सी क्रीम जो है वो स्किन को जो है टाइट करती है, और इसके अलावा ब्राइटन करती है स्किन को। तो चले देखते हैं आज इस क्रीम के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो चले दोस्तों, पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। विटामिन सी क्रीम है, ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग है। इसमें आपके पास डे नीट क्रीम भी अवेलेबल होती है और नाइट क्रीम भी होती है। मैं जो रिव्यू लेके आई हूँ वो है डे क्रीम के बारे में। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कंटेन नियासिनामाइड, इवन स्किन टोन, और इसके अलावा लिखा हुआ है या पावर हाउस एंटी ऑक्सीडेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं नियासिनामाइड का जो है बेनिफिट बता देती हूँ, जो कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नियासिनामाइड क्या करता है कि वाटर लॉस जो है वो बचाता है स्किन से ज़्यादा हाइड्रेटेड जो स्किन रहती है, और इवन टोन स्किन के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो कि इसके पीछे लिखी हुई हैं। विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग क्रीम है। बाकी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया है कि विटामिन सी का सीरम, फेस वॉश, या फिर कोई भी आप क्रीम यूज़ करेंगे उसका यही बेनिफिट में ज़रूर लिखा होगा। तो स्किन ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग के लिए जो है यूज़ की जाती है। डे क्रीम है ये, बेनिफिट विटामिन सी एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम विद कोलेजन गिव योर स्किन अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, जैसे जैसे आप ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं, सनलाइट जो होती है वो आपकी स्किन का कोलेजन कम कर देती है। कोलेजन जो होता है वो स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिस क्रीमी प्रॉपर्टी डेली मॉइस्चराइजर इज अ पावर हाउस एंटी ऑक्सीडेंट नोन फॉर ब्राइटनिंग स्किन टोन एंड डिमिशिंग साइंस ऑफ सन डैमेज लाइक डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन। विटामिन सी इज नोन टू बूस्ट स्किन्स नेचुरल सन प्रोटेक्शन, रिफाइन स्किन टेक्चर्स एंड फेयर द लुक ऑफ फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, गिविंग स्किन अ रेडिएंट हेल्थ एंड ग्लोइंग अपीयरेंस। ये वो प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने लिखी है। आप डिस्कस करते हैं अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये क्रीम जो है वो मेरी सिस्टर यूज़ कर रही है, तो उससे मैंने पूछा कि क्या वाकई इफ़ेक्टिव है। तो उसने मुझे कहा हाँ, इसे अगर रेगुलर यूज़ किया जाए तो वाकई स्किन जो होती है आपकी टाइट हो जाती है, और स्किन जो है थोड़ी सी ब्राइटनिंग भी आती है स्किन में, यानी कि जो एंटी एजिंग के साइन आपके स्किन पर एजिंग के साइन होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, और इससे साबित होता है कि क्रीम जो है वाकई एंटी एजिंग जो है वो कम करती है। डॉक्टर शील का विटामिन सी सीरम पे भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसके इस्तेमाल से मेरे पिंपल बनने लग गए थे, लेकिन इस क्रीम जो है वो इफ़ेक्टिव है, बाकी क्रीम जो है उसकी निस्बत अच्छी है। प्राइस की बात करें तो प्राइस ये आपको 450 या फिर 500 में जो है 50 ग्राम क्रीम जो अवेलेबल है। ओवरऑल बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर कोई क्रीम यूज़ नहीं कर रहे तो आप ये विटामिन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और इसके अलावा स्किन ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग क्रीम है। ये क्रीम है, इसको अगर आप लगा लें तो आपको किसी किस्म की जो है बेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। डे क्रीम है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको अप्लाई करके। ये देखें,
इधर हैंड पे अप्लाई करेंगे। ये आपको बेस का काम देती है, बिल्कुल जिस तरह बेस जो है आपकी स्किन को कवर कर देती है, ये देखें इसी तरह ये बिल्कुल बेस की तरह लग जाती है। डिफरेंस देख सकते हैं आप यहाँ पे और इस जगह पे कितना डिफरेंस है। आप इसे बेस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इस पर कोई भी फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी स्किन होगी है ये लगाने के बाद। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपको रिव्यू दिया डॉक्टर अशील की विटामिन सी क्रीम के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और इसके अलावा फ्रेंड्स और फैमिली में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें। मुझे दें इजाज़त ढेरों दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।